क्लास सिक्स स्टूडेंट एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 1 to 9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो एंड पॉइंट, किस में एंड पॉइंट नहीं होता है। तो देखिए, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें एंड पॉइंट नहीं होता है। रे ड्रॉ करते हैं तो एक एंड पॉइंट होता है, सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो 2 एंड पॉइंट होता है। तो अ लाइन सेगमेंट में होगा रे, तो यहाँ पर अ लाइन पर आप क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 1 एंड पॉइंट, तो रे में देखें एक ही एंड पॉइंट होता है, तो यहाँ पर आप रे को टिक कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 एंड पॉइंट, तो लाइन सेगमेंट होता है जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है, तो यहाँ पर 2 एंड पॉइंट होगा, तो लाइन सेगमेंट ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेफिनेट लेंथ, किसकी लेंथ डेफिनेट होती है, तो लाइन सेगमेंट की लेंथ डेफिनेट होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो पीस पेपर पर कितना क्या लाइन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं, इसकी तो कोई लेंथ ही नहीं होती है। लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, रे को भी ड्रॉ नहीं कर सकते। अब प्लेन, एक प्लेन को तो ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लाइन ही हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, एक पॉइंट है यहाँ पर और मैं कहूँ कि इससे कितनी लाइनें, तो आप देख रहे हो कि कितनी लाइनें खींचती चली जा रही हैं यहाँ पर, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन होगा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन पर आप टिक लगा देंगे। 7, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट यहाँ पर मैं मान के चलूँ और एक पॉइंट ये है, कितनी लाइन जा सकती, एक ही लाइन जाएगी ना, बार बार अगर इसके ऊपर हम खींचते जाएँ तब भी क्या रहेगा, एक ही लाइन होगी, तो यहाँ पर ओनली 1 लाइन जाएगी। यहाँ पर प्लेन्स इंटरसेक्ट कहाँ पर, इन अ पॉइंट होता है, एट अ पॉइंट होता है, इन अ प्लेन होता है, इन अ लाइन या नन ऑफ दीज, तो प्लेन्स हमेशा कहाँ पर होता है, एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट होता है। 2 लाइन इंटरसेक्ट्स, दो लाइन होती हैं, अगर दोनों लाइनों को देखा जाए, अगर उनको इंटरसेक्ट किया जाए तो एक ही पॉइंट पर करेंगी, तो यहाँ पर एट अ पॉइंट पर आपका आंसर का टिक लग जाएगा। एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, इन्हें आप अपने कॉपी में करें और इन्हें बार बार लर्न करें, इस तरह से आप इसको लर्न कर लेंगे। अगर आपको लाइन सेगमेंट, रेज, लाइन, इन सब की डेफिनेशन लर्न है, तो ये ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत इजी लगेंगे। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।